हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, आज का मेरा ब्लॉग रहेगा और आज का ब्लॉग बहुत शानदार होने वाला है ना, अभी तक मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी मैं सिर्फ 12:30 बजे आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और सुबह का मौसम बहुत ही ख़तरनाक था। वो मैं एक क्लिप लगाऊंगी यहाँ पे, तो आप देखोगे उसे मौसम को, बहुत ही ज़्यादा गंदा वाला हो रहा था क्योंकि कल रात से कुत्ते भौंकना बंद ही करेंगे। कल रात से इतनी तेज़ बारिश हो रही थी जिसकी वजह से मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था, और सुबह मैंने कुछ पिक्चर्स ली थी तो वो मैं आपको लगाऊंगी यहाँ पे। सो गाइस, सुबह के बज रहे हैं 10:30 और यहाँ का मौसम हो रहा है कुछ ऐसा, पूरे बादल छाए हुए। कल रात तो बहुत तेज़ बारिश थी खैर, और अभी ऐसा मौसम हो रहा है। बारिश आने का अलग ही आनंद है। एक गाइस, अपने सुबह का मौसम देख लिया, बहुत ख़राब हो रहा था, और अब देखोगे यहाँ का मौसम तो होश ही उड़ जाते मेरे, तो कभी कभी समझ नहीं आता कि यहाँ का मौसम 2 मिनट में ऐसे पल में बदल जाता है। तो मैं अभी का मौसम दिखाती हूँ पहले यहाँ का, ये देखो अभी कुछ ऐसा हो रहा है। और यहाँ ना कुत्तों की शायद कोई दूसरी गैंग आ गई, इसे भौंकते जा रहे हैं। और देखो यहाँ कितनी धूप आ रही, तन तन आती हुई। सुबह ऐसा हो रहा था और अब ऐसा हो रहा है, देखो कुत्ते ऐसे बैकग्राउंड में साउंड दे रहे हैं अपना। तो गाइस, मौसम तो आपने देख लिया, और आज मम्मी की थी साड़ी, एक ग्रीन सी फ्लोरल प्रिंट वाली, तो रूपाली के पास भी पड़ी है एक साड़ी, तो उसने सोचा कि हम दोनों इस इनका गाउन बनाएंगे। तो उसकी है पिंक कलर में, मेरी है थोड़ी ग्रीनिश सी कलर में। मतलब मम्मी लेके आई थी कहीं से साड़ी, तो मम्मी को ये अच्छी नहीं लगी पहनने में, तो हमने सोचा कि क्यों ना इसका एक अच्छा सा गाउन बनाया जाए, बहुत ही शानदार लगेगा शायद ही, क्योंकि ये प्रिंट इसका बहुत ही शानदार है। तो मम्मी ने अभी तक इसका ब्लाउज भी नहीं निकाला था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना शाम को दी जाए टेलर अंकल को। तो उनने बोला है कि हम 1000 रुपये लेंगे और उसमें आपको अच्छा सा एक मतलब डिज़ाइन बना के देंगे। तो हम बोला चलो ठीक है, शाम को हम बाज़ार जाएंगे और इसका एक बढ़िया सा, अभी तो नहीं देंगे खैर, हाल ही में थोड़ा दिन बाद देंगे, तो शायद कुछ अच्छा बैटर बना के दे इसका, है ना। अगर कुछ अच्छा बना तो और साड़ियों के मैं सोचूंगी, नहीं तो फिर क्या ही होगा। सो गाइस, बने रहिए मेरे साथ ब्लॉग के एंड तक, देखते हैं कि आज पूरे दिन भर में क्या क्या होता है और जैसा जैसा होगा। और अगर आपके भी कोई सवाल सवाल हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये कुत्ते साले आज पता नहीं इनके मोहल्ले में कोई आ गया तो भौंके जा रहे हैं। ये देखिए बैग से कुछ ऐसा है, इसका ये है इसका ब्लाउज का कपड़ा जो शायद वेस्ट होगा, किसी काम का नहीं होगा मेरे। और ये है पूरी 5 मीटर की साड़ी, काफ़ी ज़्यादा लेंथी है, तो इसका फ्लोरल भी काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका एक बहुत ही अच्छा सा अनारकली सूट बनाया जाए और वो कभी भी काम आ जाएगा, और जब आएगा तो मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगी। हेलो एवरीवन, जैसा कि मैंने बोला था कि हमने मार्केट जाना है, तो मैं और मेरी देवरानी हम दोनों ही मार्केट गए थे, और दोनों ने हमने साड़ियाँ दी हैं सिलवाने के लिए, जिसके 800 रुपये उनका खुद लाइनिंग समेत उन्होंने 800 रुपये हमें बोला है। तो हम आ चुके हैं अभी मार्केट से, तो हमने सोचा चलो देखते हैं कि कैसे सिलते हैं। वैसे तो उन्हें ब्लाउज़ वगैरह बहुत अच्छे सिलते हैं अंकल, तो फिर भी, और मैंने की है थोड़ी बहुत शॉपिंग मतलब अपने हस्बैंड के लिए, वो तो अभी जाते नहीं है शॉपिंग के लिए, तो मैंने उनके लिए की है थोड़ी बहुत शॉपिंग, क्योंकि उन्हें टी शर्ट है उनकी साड़ी थोड़ी वैसी हो गई थी रद्दड़ वाली, मतलब वो हमारे लिए तो कर देते हैं शॉपिंग, लेकिन अपने लिए वो हमेशा कि नहीं अभी नहीं थोड़े दिन बाद, अभी नहीं थोड़े दिन बाद ऐसे करके। तो मैं दिखाती हूँ आपको अपनी शॉपिंग और बहुत ज़्यादा, और है ना पापा के लिए की है, थोड़ी शानवी के लिए की है, और थोड़ी अपने हस्बैंड के लिए की है। तो देखिए कि मैंने क्या क्या शॉपिंग किया है तिब्बती मार्केट से। 3 थैलों में है इन सबका, इन 3 थैलों में इनका सबका सामान। तो इसमें सबसे पहले है मेरी हस्बैंड की शर्टें हैं जो मुझे और रूपाली को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, प्रिंटेड सी हैं, तो इनका प्राइस भी नॉर्मल ही है। ये 350 की है, बहुत ही सुंदर सी लगी थी। ये है 300 की, ये भी शर्ट है, तो मुझे ये वाली ज़्यादा अच्छी लगी, मतलब ये ऐसे प्रिंट में ज़्यादा मुझे अच्छी लगती है, जैसे बीच वाली वाइब देते हैं। तो 2 शर्टें ये थी, और 2 मैंने अपने हस्बैंड के लिए लिए हैंकी, ये 2 हैंकियाँ, और ये इसमें है, इसमें भी कुछ सामान है। अच्छा, इसमें ये है पापा की टी शर्ट घर पे पहनने के लिए नॉर्मल कैजुअल टी शर्ट, और ये है मेरे हस्बैंड की टी शर्ट, ये भी मुझे अच्छी लगी थी दोनों ही। तो ये इन दोनों की टी शर्ट है, और ये 2 जोड़ी सॉक्स मेरे हस्बैंड के लिए, और एक सानवी के लिए बहुत ही प्यारा सा, अभी उसकी स्विमिंग पूल पार्टी होने वाली है तो उसके लिए मैंने ये लिया है, और ये ऐसी मेरे पास भी है सेम, तो इसका ये टी शर्ट है, और ये है इसका लोअर,
मतलब निक्कर है ये और टी शर्ट है। तो ओवरऑल मेरी शॉपिंग आज की ये थी। और कुछ मैंने प्रणव के लिए लिया है उसके बर्थडे के लिए, लेकिन वो अभी मैंने रखा हुआ है तो वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो ये रही मेरी ओवरऑल शॉपिंग। सो गाइज, आज का पूरा दिन मतलब शाम के टाइम में बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि मैं और रूपाली जब हम मार्केट जाते हैं तो हम आराम से घूमते फिरते हैं। गोलगप्पे खाए थे हमने और बहुत ही ज़्यादा, एक जगह हमने चाट ट्राई की थी कि चलो ट्राई कर लेते हैं, घर जाके वैसे भी खाना नहीं था क्योंकि फिर 6 बजे के बाद मैं खाना बंद कर देती हूँ। तो ओवरऑल पूरा दिन हमारा बहुत ही मस्ती भरा रहा। मेरी शॉपिंग भी आज बहुत मस्त हुई, बस मेरे हस्बैंड को पसंद आ जाए, बस अब मेरी यही ख्वाहिश है कि उन्हें पसंद आ जाए और तो जो भी रहा है ना। सो गाइज, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और क्या आप भी ऐसे अपने हस्बैंड के लिए, किसी के लिए भी ऐसे शॉपिंग करते हो तो वो भी मुझे ज़रूर, अब बहुत सी बात है आप भी करते होंगे इनके लिए शॉपिंग, और तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और मेरी शॉपिंग आपको कैसी लगी ये भी मुझे ज़रूर बताना। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।